आपका दिन, आपका वक्त, वो कपड़ा डिसाइड करेगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर, तथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। जो आपके भीतर है वही संसार में। आपको हमेशा मंडे को व्हाइट या क्रीम कपड़ा पहनना चाहिए पॉजिटिविटी के लिए। दूसरा, मंगलवार को आपको हमेशा ऑरेंज से रिलेटेड या लाल से रिलेटेड, गेरवा मेहरून रंग से रिलेटेड पहनना चाहिए या रॉयल ब्लड रेड कलर आपको पहनना चाहिए, अच्छा रहता है। बुधवार के दिन हरा रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, सी ब्लू कलर का शेड पहनना चाहिए, लाइट ग्रीन शेड पहनना चाहिए, ओवल कलर का शेड पहनना चाहिए। इसके बाद गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र ज़्यादा पहनने चाहिए, येलो, मस्टर्ड येलो, थोड़ा थोड़ा पीच शेड भी आप पहन सकते हैं। फ्राइडे के दिन जितने बढ़िया रॉयल कपड़े आप पहन सकते हैं उस दिन पहनो। शनि के दिन लोग कहते हैं काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, अगर शनि बैलेंस है तो पहनो, नहीं है तो अवॉइड करो। और फिर आखिरी बार अपना चला गया संडे। संडे के दिन आपको यूज़ करना चाहिए जो कपड़ा होना चाहिए आपको, सारे लाइट शेड्स, चाहे वो किसी प्रकार का कोई लाइट शेड। इसको जब हम एक कॉरपोरेट वास्तु में देखते हैं, साथ ही साथ एक ब्रांडिंग में देखते हैं, उसमें बड़ा मैटर होता है। आप देखेंगे कॉरपोरेट्स के अंदर ज़्यादातर काले रंग का इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में जब मीटिंग्स होती है ना, सूट साट बूट बाट लगा करके काले रंग के टैक्सीडो टाइप में पहनते हैं। तो उससे क्या, काला रंग अगर आप बाहर पहनते हैं, पहनना भी चाहिए, लोगों को अट्रैक्शन आपकी तरफ रहता है। काले रंग की घड़ी लोग कहते हैं पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, पहननी चाहिए जब आप बाहर जाते हैं, लोगों की नज़रों में रहेंगे। गोल्डन वॉच पहननी चाहिए विद डायमंड्स पहननी चाहिए, लग्जरी दिखाती है। जितने अच्छे महंगे रॉयल कपड़े आप पहनोगे उतना बड़ा व्यक्तित्व आपका बनता चला जाएगा। जितने अच्छे कपड़े आप पहन सकते हो, नॉट अबाउट द मनी, चाहे साफ कपड़े पहनो पर क्रिस्ड हो, प्रेस्ड हो, बढ़िया हो, आपका दिन, आपका वक्त, वो कपड़ा डिसाइड करेगा। जितने भी लोग अपने घर के अंदर फटे पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा बच्चे का है, हस्बैंड का है, वाइफ का है, चाचा का है, ताऊ का है, मामा का है, फूफा का है, अगर उन कपड़ों का आप गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी डस्टिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, पोछा बना दिया, उस व्यक्ति की हालत, उस घर का फाइनेंस वैसे ही हो जाएगा। बर्बादी के कगार पर आप ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देंगे। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है क्योंकि आपका कपड़ा उन ओरा को एब्जॉर्व करता है और उसके बाद वो कपड़े को अपने उसमें कर दिया तो वो रिएक्ट भी करेगा और उसके रिएक्ट के चक्कर में आपकी हालत वैसी हो जाएगी। कपड़ों को डिस्कार्ड करने का सिंपल तरीका, अपने कपड़ों को नमक के पानी से धोने के बाद कहीं पे भी डोनेट करें। हमारे शरीर में 7 चक्कर हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर, भ ग वा आन भगवान, तथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। जो आपके भीतर है वही संसार में, और ये जितना बड़ा संसार है पूरा तो आप भी नहीं देख सकते। ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, भीतर की यात्रा कीजिए। ठीक है, आंखें खोलेंगे तो बाहर की यात्रा कर पाएंगे। जो ये बाहर की यात्रा है, आपकी दृष्टि जितनी दूर तक, जितनी रेडियस तक जाएगी उतना ही आप देख पाएंगे।